नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। हाथरस मामले में डीएम और एसपी पर कार्रवाई हो सकती है। आज शाम तक डीएम और एसपी पर गृह विभाग कार्रवाई कर सकता है। एक बार फिर से आपको बता दें, अब खबर यह आ रही है कि शाम तक अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हाथरस मामले में डीएम और एसपी पर कार्रवाई संभव है। एक तरफ इंडिया टीवी आपको पल पल का अपडेट दिखा रहा है कि किस तरह का बर्ताव गांव में मौजूद लोगों के साथ किया जा रहा है, परिवार के लोगों के साथ किया जा रहा है, और साथ ही किस तरह का बर्ताव मीडिया के साथ किया जा रहा है। इंडिया टीवी की तमाम टीम्स जो इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। बहरहाल इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आज शाम तक डीएम और एसपी पर गृह विभाग की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। हाथरस के डीएम और एसपी अब सवालों के घेरे में हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई की खबर इस वक्त हमारे पास है। हालांकि इंडिया टीवी आपको हाथरस से पल पल का अपडेट दे रहा है कि किस तरीके से परिवार वाले भी अब असहज महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से पुलिस कड़े पहरेदारी के बीच परिवार के लोगों को बातचीत भी नहीं करने दे रही है। और इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स पल पल का अपडेट हमें वहां से दे रहे हैं कि पुलिस का रवैया आखिर क्यों सवालों के घेरे में है। इस बीच डीएम जिन्होंने परिवार वालों के साथ बातचीत की, क्या वो बातचीत थी या धमकाना, इंडिया टीवी इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अब डीएम ने परिवार वालों के साथ भले ही कहने को बातचीत की हो, लेकिन परिवार के सदस्य यानी जिस पिता ने अपनी बेटी को खोया है, उसे डीएम साहब ने कैसे धमकाया, आप भी देखिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजेंगे कल जाएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना है, नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं, हम आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजेंगे कल जाएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना है, नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं, हम पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे, और जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपनी तरीके से चीज़ों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़ना चाहते थे। मेडिकल रिपोर्ट के परीक्षण आने के पूर्व ही गलत बयानबाजी और शासन और पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों पर उंगली उठा के विभाग को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, इसकी भी हम लोग परीक्षण कराएंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब मामले की हकीकत पर डीएम और एसपी से सवाल किए गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और यही वजह है कि अब इस तरीके के रवैये के बाद भी सवालों के घेरे में है डीएम और एसपी। वो पुलिस अधिकारी जो पहले दिन से हाथरस की बेटी की हालत के बारे में जानते थे, बावजूद उसके इस बेटी को अस्पताल दर अस्पताल भटकना पड़ा, उस बेटी को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कराई जा सकी, नतीजा ये हुआ कि तड़पते हुए उस बेटी ने अपने जान गंवा दी। अब पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़े एक्शन की बात कही जा रही है। गृह विभाग कड़े एक्शन की तैयारी में है, और ये एक्शन होगा, ये कार्रवाई होगी हाथरस के डीएम और एसपी पर। हालांकि इन तमाम सवालों का जब डीएम साहब के पास जवाब नहीं था तो उनका लहजा बदलकर काफी बदल गया, और लगातार वो कैमरे पर भी धमकाते हुए नजर आए। देखो, घर ले जाओगे तो भी देखोगे, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। घर में बात देखो, आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कौन है? क्यों बोल रहे हैं? मैं वो करो जो फालतू परिजन को बताने सुन लिया गया बहुत ज्यादा, जो ये बता रहे हैं इनको सुना जा रहा पिताजी को, इनके भाई भी खड़ा पीछे, सबसे बात हो सकती है क्या? हर आदमी वो बन रहा है, जो नेता बन रहे हैं सब लोग। हाथ नहीं लगाओगी, हाथ नहीं लगाओगी, हाथ नहीं लगाओगी जो।
चलिए पीछे, चलिए पीछे, चलिए पीछे, चलिए पीछे, चलिए पीछे, आप जाने भी नहीं दे रहे अंदर, आप जाने भी नहीं दे रहे हैं। बताओ क्या मुझे सिर्फ दो लोगों को जाना है। नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जवाब दो, तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, संस्कृत भाषा में बात करिए, संस्कृत भाषा बात करेंगे, संस्कृत भाषा बात करिए, संस्कृत भाषा बात करिए, दिमाग खराब नहीं रखिए, ऐसे तमाम अधिकारी हैं जो सवालों के घेरे में हैं अपने इस बर्ताव को लेकर। आखिर क्यों मीडिया को अपना काम करने से रोका जा रहा है, क्यों उन्हें परिवार के लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा, और यही वजह है कि अब पूरे मामले पर एक्शन को लेकर भी खबर आ रही है कि गृह विभाग अब कड़ा एक्शन ले सकता है। हाथरस में आज शाम तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई की खबर आ रही है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब यूपी सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। आपको यह भी बता दें कि इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम आज की बात की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और अब इस पूरे मामले में डीएम और एसपी पर कार्रवाई भी संभव है। फिलहाल खबर यही आ रही है कि अधिकारियों के इस रवैये की वजह से, अधिकारियों के इस बर्ताव की वजह से अब इनके ऊपर कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। कुमार सोनू इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हाथरस में मौजूद है। सोनू, कड़ा एक्शन अब गृह विभाग की तरफ से लिया जाएगा और सवालों के घेरे में सिर्फ डीएम और एसपी नहीं बल्कि कई प्रशासनिक अधिकारी। देखिए बिल्कुल, जो हाथरस जिला प्रशासन है वो पूरा का पूरा अमला इस वक्त इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से मीडिया का कोई कैमरा पीड़िता के गांव के अंदर ना पहुंच जाए, पीड़ित पक्ष से बात ना कर ले। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो हाथरस पुलिस, हाथरस का जिला प्रशासन छुपाना चाह रहा है। हम लोग कई बार अंदर जाने की कोशिश कर चुके हैं, लगातार कोशिश कर चुके हैं। मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे, आनंद प्रकाश पांडे, इसके अलावा अमित पालित, मैं खुद अंदर जाने की कोशिश की। जब मैं गाँव के सरकारी स्कूल के पास तक पहुंचा था तो वहां पर 10-12 लड़के अचानक से आ गए, उनके हाथों में डंडे थे और हमारे पीछे भागे मैं, मेरे कैमरा पर्सन शिशिर मंडल और हाथरस के हमारे संवाददाता रवि चौधरी, हम तीनों वहां से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागे। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आप ये देखिए, जब मैं भाग रहा था तो अपनी जान बचाने के लिए तो ये मेरी शर्ट तक जो है वो फट गई। तो ये स्थिति इस वक्त यहां की हो चुकी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पहले से ध्यान दिया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। ये देखिए, ये मेरी पैंट की स्थिति है। हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं अंदर जाने की कि किसी भी तरीके से अंदर जाएं, पीड़ित पक्ष का जो है बात सुने, उसकी बात को देश तक, हर दर्शक तक पहुंचाएं, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद हम विफल हो रहे हैं। और अब जो है अंदर 8-10 लड़के हमें मिले, उन्होंने, उनके हाथ में बड़े बड़े डंडे थे, लठ थे, और वो हमारे पीछे भागे। हम तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक खेतों में अपनी जान बचाने के लिए भागे और जैसे तैसे हम मेन रोड पर पहुंचे, वहां पर हमारी गाड़ी थी और फिर गाड़ी से हम बाहर आ पाए। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हाथरस जिला प्रशासन आखिर किस सच्चाई को छुपाने में लगा है। जो आरोपी हैं भी, उनके तर्क ये दिया जा रहा है कि मामले की जांच चल रही है, अंदर गांव में एसआईटी की टीम भी है, लेकिन हमारे सोर्सेज और आपका कैमरा साफ ये बता रहा है कि अंदर कोई टीम है ही नहीं। देखिए बिल्कुल, जब हम लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की तो हमें पुलिस वालों ने ये कह के मना कर दिया अंदर जाने से कि अंदर एसआईटी की टीम जांच कर रही है, जबकि एसआईटी की टीम पुलिस लाइन में मौजूद थी। वहां पर जो संबंधित कोतवाली के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही थी, तो एसआईटी की टीम अंदर ऑलरेडी थी ही नहीं। हमारी सहयोगी दीक्षा पांडे ने पीड़िता के भाई से बात की, उसका भी यही कहना था कि अंदर एसआईटी की टीम नहीं है। तो आखिर किन बातों को जो है छुपाने की कोशिश की जा रही है? हर गाँव की हर एंट्री पर पुलिस के, जिला प्रशासन के आला अधिकारी खुद बैठे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से कैमरा अंदर ना जा सके, और गांव के अंदर सिर्फ उसी व्यक्ति को जाने की इजाजत है जिसके पास गांव के पते का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है। कुमार सोनू, आपको मैं यहां रोकना चाहूंगी। हाथरस में बेटी ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इस बीच दिल्ली में प्रार्थना सभा चल रही है और इस प्रार्थना सभा में अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका पहुंची। प्रियंका गांधी की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। अपनी आवाज उठाइए, मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है
कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। प्रियंका गांधी को आपने सुना, जो इस वक्त दिल्ली में महर्षि मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर हाथरस की पीड़ित के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। किसी के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते, परिवार से पूछे ऐसी चीज की जाए और हम सब चुप रहे, बहुत गलत बात है। सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम प्रार्थना सभा में आए हैं, शोक मनाने आए हैं, लेकिन इससे बढ़कर हम सब यहाँ उपस्थित इसलिए हैं कि हम उस लड़की के साथ न्याय करवाएंगे, इस सरकार पर दबाव डालेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, आपकी बेटी के साथ, आपके उनके परिवार के साथ और आपके समाज के साथ, तब तक हम रुकेंगे नहीं। धन्यवाद। प्रियंका गांधी, एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि इस दुख की घड़ी में वो परिवार के साथ हैं। हालांकि इंसाफ के लिए सरकार पर नैतिक दबाव डालने की बात भी प्रियंका ने कही है, और इस बीच इस बात को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर सरकार का रवैया क्यों सवालों के घेरे में है। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने इंडिया टीवी पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हाथरस की पीड़ित के इंसाफ के लिए मांग की जा रही है। अब गृह विभाग ने भी कड़े एक्शन की बात कही है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कई दिनों से आप हाथरस में हैं, पहले दिन से आप वहां पर मौजूद हैं, कोई बदलाव वहां पर नजर नहीं आ रहा है, रवैया बिल्कुल वैसा, रोका जा रहा है हर शख्स को परिवार के सदस्यों तक पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, अपनी गलतियों से हाथरस प्रशासन सीखने को तैयार नहीं है। पहले इन्होंने गलती की कि ऐसा माहौल नहीं दिया, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाई कि किसी भी बेटी के साथ ऐसी जघन्य अपराध ना हो। फिर जब उस बेटी के साथ ये अपराध हुआ तो पुलिस ने ये इंश्योर नहीं किया कि सही समय पर उसका इलाज हो और इसमें सही समय पर सही तरीके से जाँच हो। उसके बाद जब उस बेटी की मौत हो गई, उसके बाद उसको अंतिम संस्कार के लिए भी पुलिस ने परिवार वालों को अपने साथ नहीं लिया और परिवार की गैर मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों को अंतिम समय में चेहरा तक देखने नहीं दिया। तो ये बताता है कि हाथरस पुलिस हो या हाथरस का प्रशासन हो, वो एक के बाद एक गलतियां करता गया और अभी भी गलतियां करता जा रहा है, सीखने को तैयार नहीं है। उसको अपनी गलती सुधारनी चाहिए थी, लेकिन वो एक के बाद एक गलती कर रहा है। और उसने एक आसान रास्ता अपनाया है कि मीडिया की गाँव में एंट्री बैन कर दो, कोई गाँव में जा ना पाए। और यही वजह है कि सिर्फ मीडिया को रोकने के लिए पुलिस ने सिर्फ इस गाँव में करीब 500 से ज्यादा पुलिस कर्मी लगाए हैं। यहाँ जो बैरिकेड है, यहाँ से लेकर गांव तक और गांव के अंदर और यहाँ तक कि खेतों के बीच में भी, कि कोई खेतों के में होते हुए भी गांव तक ना पहुंच जाए, 500 से ज्यादा पुलिस कर्मी यहाँ मुस्तैद किए गए। यही मुस्तैदी अगर पहले दिखाई गई होती तो ये हादसा नहीं होता, ये दुर्घटना नहीं होती, ये जघन्य अपराध नहीं होता और आज वो बेटी हम सबके बीच में होती। और यही वजह है कि वहां की हकीकत इंडिया टीवी लगातार दिखा रहा है। आनंद, आपकी रिपोर्ट, हमारी सहयोगी दीक्षा की रिपोर्ट, क्योंकि इंडिया टीवी इस वक्त हाथरस में पीड़ित लड़की के घर से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर है और वहां पुलिस ने हमारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन को जबरदस्ती घेर कर रोक दिया, कैमरा बंद करवाने की कोशिश की गई। पुलिस के साथ कुछ लोग भी थे जो आगे बढ़ने पर हमारी रिपोर्टर दीक्षा पांडे और कैमरामैन कुलदीप बलियान के साथ धक्का मुक्की पर उतारू थे। हाथरस का वो गांव जहां एक परिवार पूरे सिस्टम से इंसाफ के लिए लड़ रहा है और इस वक्त यहां पहुंच चुकी है इंडिया टीवी की टीम। पीड़ित परिवार से सिर्फ कुछ 20-30 मीटर दूर है इंडिया टीवी। देखिए, जो कानून के रखवाले हैं इस गांव में धारा 144 लागू है, लेकिन देखिए भीड़ किस कदर यहां पर देखने को मिल रही है। आप मेरे साथ धक्का मुक्की नहीं कर सकते, आप पैंडमिक एक्ट का आप सब उल्लंघन कर रहे हैं। आपको पता है कि आप लोग पैंडमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। इंडिया टीवी की रिपोर्टर दीक्षा पांडे को पुलिस ने घेरा हुआ है और दूसरी तरफ कैमरामैन को जबरदस्ती कैमरा बंद करवाकर गांव से बाहर किया जा रहा है। यहां पर देखिए, हमारे सहयोगी को कुछ पुलिस कर्मी जो है वो खींच कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो लगातार यहां की तस्वीर को दिखा रहे हैं। हाथरस के इस गांव में चारों तरफ पुलिस ने घेराबंदी की हुई है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पीड़ित परिवार के घर पहुंचने से ठीक पहले देखिए क्या हुआ। धारा 144 लागू है, देखिए
मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रही हूँ। धारा 144 लागू है, लेकिन यहाँ पर एक बार भीड़ देखिए। पत्रकारों को जरूर रोका जा रहा है, यहाँ पर कवरेज के लिए, पीड़ित परिवार तक पहुंचने के लिए पत्रकारों को जरूर रोका जा रहा है, लेकिन एक बार भीड़ जरा देखिए। मैं अपने सहयोगी कुलदीप बालियान से कहूंगी जरा वो अंदर की तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर धारा 144 लागू है। इंडिया टीवी की रिपोर्टर दीक्षा पांडे और कैमरामैन कुलदीप बालियान को यहाँ पहुंचने में कितनी मुश्किल उठानी पड़ी वो भी दिखाएंगे। पहले देखिए हाथरस पुलिस का रवैया। हम लोग बिल्कुल पीड़ित परिवार के घर के नजदीक आ चुके हैं, लेकिन अभी भी तमाम जो बाधाएं हैं वो तैयार यहां पर जरूर की जा रही हैं। लेकिन शायद पूरे देश की यही दरकार है कि इस पीड़िता को इंसाफ मिले, लेकिन शायद मुट्ठी भर लोग हैं जो हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्यों रोक रहे हैं आप हम लोगों को? सर जाने दीजिए, सर रिक्वेस्ट है आपसे। सर क्यों रोका जा रहा है? रोक दो सर, क्यों रोका जा रहा है? सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राजेंद्र जी जी, खरेंद्र जी जी, महिलाओं को क्यों आगे कर रहे हैं आप लोग? महिलाओं के लिए महिला आगे की जाएंगी, गांव की महिलाएं हैं जी, आप इनको आगे बढ़ाकर, इनको दीवार बनाकर पत्रकारों को पीड़ित परिवार तक पहुंचने से रोक रहे हैं, ऐसा क्या है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, ऐसी कौन सी बात है जो बाहर नहीं आनी चाहिए? बाहर तो आई, जो आनी थी आ गई। नहीं तो फिर रोक क्यों रहे? वजह क्या है उसके? किसको रोक रहा है? हम लोगों को क्यों रोक रहे हैं? आदेश नहीं, तुमको इसलिए रोक रहा है। किसने आदेश नहीं दिया आपको? किसने आदेश नहीं दिया? अधिकारियों का आदेश नहीं है? यहाँ लोकल पुलिस को कहाँ कहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। तस्वीरें बताती हैं कि हाथरस में मीडिया पर पहरा है और पीड़ित लड़की का परिवार जो इस वक्त पुलिस के साए में रह रहा है उस पर कितना दबाव होगा। यहां पहुंचने के लिए इंडिया टीवी को कौन सा रास्ता अपनाना पड़ा वो भी देखिए। वो मुश्किल में है, उनका परिवार मुश्किल में है, उन पर मानसिक दबाव है, साथ ही वो एक तरीके की जो मानसिक प्रताड़ना है वो झेल रहे हैं। उन्हें डर भी लग रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर। आपको बता दें कि मीडिया को लगातार जाने से मना किया जा रहा है और मीडिया जो है उनके गांव तक नहीं पहुंच पा रहे, और हम जो है आज पीड़ित परिवार से बातचीत के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके दर्द को जानने के लिए हम खेतों से गुजर कर जा रहे हैं, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो हमें कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। जिस भी रास्ते से हम जा रहे हैं पुलिस हमें मना कर रही है, पुलिस हमें रोक रही है, तो हम खेतों से गुजरकर उन पीड़ित परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। खेतों से गुजरते हुए हाथरस के उस गांव में पहुंच गई इंडिया टीवी की टीम, जहां पीड़ित लड़की का परिवार इस वक्त पुलिस के पहरे में है। हम गांव में दाखिल तो हो गए, लेकिन ऐन वक्त पर जब हम पीड़ित परिवार के घर में जाने की कोशिश कर रहे थे पुलिस ने हमें रोक लिया। देखिए पीड़ित परिवार के घर के बाहर मौजूद इंडिया टीवी के रिपोर्टर से कैसे बदतमीजी की जा रही है। इंडिया टीवी जो है वो पहला चैनल है जो पीड़ित परिवार के धारा 144 लागू होने के बाद इस परिवार तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी यहां पर लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी बिल्कुल वो चैनल है जो चाहता है कि हर पीड़ित को न्याय मिले। देखिए कानून के जो रखवाले हैं, जो कानून के रखवाले हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे को धक्का देने वाली कुछ महिलाएं हैं, वो खुद को गांव की ही बताती हैं, लेकिन उनका रवैया सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिस कर्मियों का है। यहां पर देखिए कैसे महिलाओं को आगे किया जा रहा है, जो यूनिफॉर्म में, जो वर्दी में, जो यहाँ पर पुलिस हैं, वो पीछे हट के वो वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और गांव की महिलाओं को आगे करके यहाँ पर जो पत्रकार हैं उन्हें जाने से रोका जा रहा है। हालांकि इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि जो पीड़ित परिवार है उनका दर्द बांटा जाए? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? किस हक से आप मुझे रोक रही हैं? आपको यहाँ पर खड़े होने के लिए किसने कहा है? बहन जी आपको यहाँ पर खड़े होने के लिए किसने कहा है? पुलिस ने कहा है आपको? आप चेहरा दिखाइए अपना, छुपाने की जरूरत नहीं है आपको। किसने आपको यहाँ पर खड़े होने के लिए कहा है? आपको हक क्या है मुझे रोकने का, मुझे काम करने से रोकने का? देखिए मैम ये लो पानी पी लो। देखिए ना
विचित्र स्थिति यहाँ पर है, बड़ी अजीब स्थिति है, हास्यास्पद है ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में गली से पीड़ित का घर बस कुछ ही 20 से 30 मीटर की दूरी पर है और यहाँ इंडिया टीवी की टीम मौजूद है। ऐसे में इस पीड़ित परिवार पर जो कुछ गुजर रहा है उसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से हो गया होगा। जल्द लौटेंगे हाथरस में, अपने संवाददाताओं से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं।